पुलिस थाने में आगजनी करो और ऐसे चक्रव्यूह में फंसाओ कि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को जान के लाले पड़े। जैसे ही हम लोग पहुंचे थे वहां पे तो पथराव होना शुरू हो गया, पथराव चलता रहा तो हम थोड़ा थोड़ा सब लोगों पीछे धकेलते रहे, हमने प्रशासन अपना काम करते रहे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता रहा वो चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, घेर के फिर ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ से उन्होंने पथराव नहीं किया, चारों तरफ से पथराव, बिल्डिंगों से, हर गलियों से, सब जगह से पथराव, रोड होल्ड अप कर दी, जाने की जगह नहीं छोड़ी, जो मिला उसको पकड़ खूब मारा, पत्थरों से, लाठी डंडे जो मिला उसे मारा। ये तब हुआ जब अवैध कब्जा हटाने की प्लानिंग नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने पहले से कर रखी। कब्जे वाली जगह को खाली करा लिया गया था, गलियों में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। इसके बाद भी हजारों उपद्रवियों की भीड़ अचानक कहां से जमा हो गई, पत्थरों की रसद कहां से आ गई, पेट्रोल बम किसने और कैसे बना लिए, आगजनी वाला गैंग किसके इशारे पर एक्टिव हुआ, ये यक्ष प्रश्न है जो बताता है कि साजिश चंद घंटों में तो नहीं रची गई। उपद्रवियों की भीड़ सड़क पर उतरी और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया, पेट्रोल बम से हमला हुआ, पत्थर बरसाए गए और सबसे आखिर में पुलिस वालों पर उपद्रवियों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस वालों को टारगेट करके उनकी जान लेने की कोशिश भी की गई। इन उपद्रवियों की मंशा कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला देने की भी थी। अब हमें अध्ययन नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहां से हम लोगों ने फोन करा, इधर उधर फोन करा, लोकेशन भेजी, वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियां करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, फिर पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा दिया, ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से मतलब गिरते पड़ते आए हम, रास्ते में भी जा रहे थे हम जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से फोर्स हमने रोक रख के आगे तक पहुंची, वहां पे जहां पे मेन पॉइंट था, यहां पे तोड़ना था, तो वहां पे पहुंचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमें घेर लिया वहां। टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे। हल्द्वानी के उपद्रवियों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए, किसी का सिर फूटा तो किसी की हड्डियां टूटी, कई पुलिस वालों की तो जान जाते जाते बची। सवाल वही है कि बनभूलपुरा में एकाएक इतनी भीड़ सड़कों पर कैसे आ गई, वो भी पूरी तैयारी के साथ, और उनका टारगेट सिर्फ पुलिस वाले ही क्यों थे? तो क्यों ना पूछा जाए कि क्या हल्द्वानी कांड एक साजिश थी, क्या हल्द्वानी में पहले से ही इस उपद्रव की कहानी लिख ली गई थी, क्या प्री प्लान तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश की गई थी, इतना बड़ा उपद्रव पहले से क्या तय कर रखा गया था, आगजनी का ऑर्डर कहां से आया, और अगर ऐसा था तो साजिश की प्लानिंग किसने रची, हल्द्वानी कांड का मास्टरमाइंड कौन है? हल्द्वानी के ग्राउंड जीरो से पूरी तहकीकात करेंगे, साजिश की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे, चश्मदीद बताएंगे कि कैसे हिंसा की शुरुआत हुई, उपद्रवियों ने पत्थर कहां से चलाए और पुलिस वालों के खिलाफ कौन सी खौफनाक साजिश रची गई। लेकिन उससे पहले सुनिए शमून कासमी को। कासमी साहब उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिस मदरसे को लेकर हिंसा की गई, हल्द्वानी को जलाने की कोशिश की गई, असल में वो मदरसा है ही नहीं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त आप शांति बनाए रखें। जिस मदरसे के प्रकरण का ये सामने आया है वो मदरसा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश भर के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने सारे मदरसों का आप हमारे मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और वैध तरीके से आप उन्हें संचालित करें, कोई भी अवैध कार्य ना करें। साफ है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के लिए जिसे मदरसा घोषित किया जा रहा था उसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। कोर्ट ने भी प्रशासन की इसी दलील को माना था, जिसके बाद नगर निगम की टीम अवैध कब्जा हटाने पहुंची। इस प्रॉपर्टी पर जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड है, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं।
यानी हल्द्वानी में प्रशासन की तरफ से कोई गलती नहीं की गई, पुलिस की तरफ से कोई भूल नहीं हुई, जो हिंसा हुई उसे चूक जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस सही मौके पर उपद्रवियों की साजिश डिकोड नहीं कर पाई। पुलिस और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी कि कोर्ट के फैसले के बाद उपद्रवी अतिक्रमण ड्राइव का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, उपद्रवियों का प्लान एक्टिव हो गया। लेकिन ये भी तय है कि अब जो एक्शन होगा उसे न सिर्फ हल्द्वानी के उपद्रवी याद रखेंगे, बल्कि पूरे उत्तराखंड में ऐसी साजिश रचने की हिमाकत कोई नहीं करेगा। गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, कुछ लोगों को यह आदत होती है कि वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं, और ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है। तो उन लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है, उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था। और आगे भी उनको सबक दिया जाएगा कि जो भी संविधान का स्टेट को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं वो सख्ती से कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी कांड के बाद मुख्य सचिव घटनास्थल का दौरा कर चुकी है। आला अधिकारी हर एक एक्शन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव हैं। हल्द्वानी की एक एक रिपोर्ट देहरादून में उनकी टेबल तक पहुंच रही है, और उनका एक्शन ठीक उसी फॉर्मूले पर कसा है जो फॉर्मूला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है, मतलब उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस और सख्त एक्शन। सीएम धामी अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर में है। अपराधियों के खिलाफ जो मंत्र योगी का है उसे उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी पक्की कर ली गई है। बुलडोजर निकल चुके हैं। संदेश एक लाइन का है, राजकाज में बाधा डालोगे तो भुगतोगे। सीएम धामी का सख्त आदेश है कि एक भी अवैध अतिक्रमण को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विरोध करने वालों और उपद्रवियों का इलाज भी ढूंढ लिया है। हल्द्वानी में हिंसा के ठीक एक दिन बाद फिर से बुलडोजर गरज रहे हैं। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने इस पूरी हिंसा को करीब से देखा, ग्राउंड से उनकी गवाही सुनना भी जरूरी है। चश्मदीद हैं, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस अगर फेलियर ना होता तो ये आज की दशा कुछ और होती। अगर पुलिस वालों की जान बची है, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, इन्हीं सड़कों पे से निकल के वो भाग रहे थे आगे, और यहीं से जनता उन्हें अपने घर में बैठा रही थी, और बल्कि जो सामने से उग्र भीड़ आ रही थी उनका सामना करने में जुटी हुई थी। पुलिस का पूरा बल मतलब उनमें लहूलुहान होकर के लगातार वापस भाग रहा था अपनी जान बचा करके। ये मेरी आंखों देखी ये बात है, और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे इन लोगों। हमने ये देखा कि ये उस तरफ से बहुत भयंकर तरह से लोग आ गए थे, पब्लिक आ गई थी, इन्होंने पुलिस प्रशासन पे बहुत खतरनाक करके पथराव कर रहे थे। बहुत जान बिछाड़ के पुलिस लेडी से उनको निकालना भारी पड़ गया था। इन्होंने बहुत ही दुष्कर्म कर दिए थे। पुलिस वालों को पैरों से खून खून के वहां पर मारा पार्क के पास। लेट पुलिस वालों, ये कौन लोग थे? पब्लिक थी ना, पब्लिक उधर के लोग बहुत सारे थे ना। पुलिस वालों को पैरों से खून खून के वहां पर मारा पार्क के पास। लेट पुलिस वालों, ये कौन लोग थे? पब्लिक थी ना, पब्लिक उधर के लोग बहुत सारे थे ना। हजारों घंटे थोड़ी ना थी उनके कर्मचारी थे। हमारे जान बचानी भारी पड़ गई। वहाँ लेडीजों को मार रहे थे, वहाँ की लेडीज से पथराव कर रही थी। मेरी गाड़ी में वहाँ आग लगा दी गई है। हम नगर निगम का कर्मचारी हूँ मैं, हरकिशन। वहाँ इस कदर माहौल का कि छोटे से लेके एक बड़ा युवक हर कोई पत्थर चला रहा था, वो बात सुनने में ही राजी नहीं थे किसी की। अच्छा, महिलाओं के बहुत ज्यादा चोट लगी है, सिर फटे हैं, 100 से ज्यादा औरतें घायल हैं, किसके हाथ 100। सफाई कर्मचारियों के बहुत चोट लगी है। जितने सफाई कर्मचारी गए थे उनके सिर फटे हैं और हाथ टूटे हैं, और कई लोग पुलिस पर भर्ती है। वहाँ पर बहुत भगदड़ हुई, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा मार रहे थे। हमने देखा आपके सामने की हमारे सामने इधर से जा रहे थे, हमने पानी पिलाए, पकड़ के बैठा रहे थे, किसी के सर से, किसी के मुंह से, किसी के नाक से, हर जगह से खूनी खून निकल रहे थे पुलिस वालों के। पथराव हुआ, पथराव में इनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी के टाइम पे इनके पथराव करा, लोगों ने इनकी ईंट मार के सर फाड़ दिया। अगर ये जो लोग हैं, ये चश्मदीद हैं, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस अगर फेलियर ना होता तो ये आज की दशा कुछ और होती। अगर पुलिस वालों की जान बची है, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, इन्हीं सड़कों पे से निकल के वो भाग रहे थे आगे, और यहीं से जनता उन्हें अपने घर में बैठा रही थी, और बल्कि जो सामने से उग्र भीड़ आ रही थी उनका सामना करने में जुटी। हम भी क्यों कह रहे हैं ये एक साजिश थी,
एक प्लान था, पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और स्क्रिप्ट के मुताबिक साजिश का एक एक सामान इकट्ठा किया गया। इसकी तस्दीक ये तस्वीरें करी। ये तस्वीर 30 जनवरी की उसी बनभूलपुरा इलाके की जहां 8 फरवरी को हिंसा हुई। अवैध कब्जे के आसपास के मकानों की छतों को गौर से देखिए, छतों पर एक भी पत्थर आपको नहीं दिखेगा। इन तस्वीरों को प्रशासन ने ही ड्रोन से रिकॉर्ड किया ये पता लगाने के लिए कि कहीं अतिक्रमण ड्राइव से पहले किसी तरह कोई साजिश तो नहीं रची गई। साफ है कि 30 जनवरी को छतों पर पत्थर जमा नहीं किए गए, लेकिन 8 फरवरी को इन्हीं छतों से पत्थरबाजी हुई, यानी एक हफ्ते के अंदर पत्थर भी जमा हो गए और पत्थरबाजी। हल्द्वानी के बनफूल एरिया के बाहर खड़े हैं और लगातार पुलिस सिक्योरिटी की जायजा ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं। देखिए मेरे पीछे जो स्थिति है, ये बनफूल एरिया के लिए रास्ता जाता है जहां पर कर्फ्यू लगाया हुआ है और सीधे रूप से कर्फ्यू में किसी की भी एंट्री बिल्कुल बंद है। देखिए यहां लगातार पुलिस अपनी जायजा ले रही है, मौकों पर पहुंच रही है और पहुंच के अपनी सभी चौकियों का जायजा ले रही है, कहां कहां किस तरह की व्यवस्था है, किसी लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए यहां इस समय डीआईजी और आईजी रेंज के अधिकारी मौके पे हैं और लगातार वो इस एसएसपी नैनीताल भी है और लगातार देखिए जायजा लेने में लगे हुए। आइए कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी बात की जाए कि आखिर क्या है, क्या रहेगी सिक्योरिटी। देखिए इस तरह, देखिए ये एसएसपी नैनीताल है, यहाँ पे डीआईजी हैं और आईजी भी लेवल के लोग यहाँ पे लगातार सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए कोशिश करते हैं एसएसपी साहब, सर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की? सिक्योरिटी ठीक है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में अभी तक, और पैरामिलिट्री आ रखी है, यहाँ स्टेट पुलिस फोर्स भी हमारे पास है, एवरीथिंग जनरल अंडर कंट्रोल। जो लोग जिन्होंने उपद्रव किया उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर ऐसे कितने लोग चिन्हित लग रहे हैं कि जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अब पुलिस अंडर कंट्रोल में? जितना सीसीटीवी हम देख रहे हैं उसके हिसाब से अब तक 20-22 लोग ऐसे चिन्हित हो चुके हैं, बाकी लोगों का सीसीटीवी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ड्रोन का जो हमारा वीडियोग्राफी उसका एनालिसिस कर रहे हैं। क्या भड़काने में किसी राजनेता वगैरह नेताओं का भी हाथ आ रहा है? देखिए अभी तक ऐसा कोई एंगल नहीं आ रहा जिसके आधार पर हम कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शो करवाने की कोशिश, लेकिन कुछ उपद्रव लोग हैं जिन्होंने मतलब जानबूझ के पब्लिक को उकसाया भड़काया, तो उनके खिलाफ पुलिस जो है एफआईआर लिख के कार्रवाई करे। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसके बाद धामी सरकार ने ऐसे एक्शन की तैयारी की है जो उपद्रव करने वालों के लिए पूरे उत्तराखंड में नजीर बन जाएगी। धामी के अधिकारियों ने आदेश के बाद कमर कस ली है और खोज खोज कर अवैध कब्जे को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। रही बात उपद्रवियों की, तो वो चाहे आकाश में हो या पाताल में, उनका हिसाब होगा और बेशक होगा। हल्द्वानी से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।